इनकी तरफ देखें, मिट्टी में नहा रही हैं, ये मिट्टी में बहुत खुश होकर रहती हैं। ये मुर्गे की तरफ तीनों सील हैं, देखें एक वो अंदर गई हुई है, पता नहीं अंडा देने गई है क्या कर रही है। देखें देखें कितनी प्यारी नहा रही हैं, इसको बोलते हैं कि मिट्टी में नहा रही हैं, ये बहुत खुश होती हैं मिट्टी में। मिट्टी लाजमी आपने डालनी है जब भी आप करें ना, मसंग के घर की छत पर करें तो आप कॉप के अंदर ना मिट्टी डाल दें, खुश हो के खेलेंगी। धूप निकल आई है माशाल्लाह, देखें कितना प्यारा मौसम हुआ हुआ है। तो वैसे हवा चल रही है तो मुर्गियाँ भी इंजॉय कर रही हैं। तो इनको मैंने फीड डाली और बाजरा डाला, और इधर मैंने इनको क्या डाला है, इधर पता नहीं क्या डाल दिया है, मैंने खुद भी नहीं समझ आ रही। हाँ 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 ये देखें, ये है पालक, पालक और मूलियों के पत्तर हैं। अक्सर भाई बोलते हैं मूलियों के पत्तर ना डालें, वो ठंडे हैं। देखें मेरे भाई, वो डालने चाहिए। और ये मुर्गा मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, दिल कर रहा है इसको मैं ज़िबा कर दूँ, तो अभी नहीं करना, करेंगे किसी टाइम। तो मूलियों के पत्तर भी इनको खिलाने चाहिए। ये नहीं कि इनको मैं लगातार ही खिलाता हूँ, लेकिन वो भी इनके लिए हेल्दी होती हैं, अच्छी होती हैं। आपको पता होगा मूली के कितने फ़ायदे हैं। बाकी ये वाला मुर्गा देखें माशाल्लाह, धूप में कितने वो चमक रहा है। तो बाकी आपको बाहर जाके मैं दिखाता हूँ, अभी तक किसी ने स्पॉन्स नहीं किया। कभी सोचता हूँ सेल कर दूँ, कभी कहता हूँ कि ना सेल करूँ। ये देखें मेरे सील माशाल्लाह कितने प्यारे हैं। और सील मुर्गा तो मेरा बस इस तरह ही है, ये देसी से भी मार खाता है। तो यार मैंने आप भाई से पूछा था, ये आप बता सकते हैं ये मुर्गी कौन सी नस्ल की हो सकती है, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता। इस तरह ही मैं उठा के ले आया हूँ, इतना मुझे इस चीज़ के बारे में एक्सपीरियंस नहीं आया, क्योंकि सील में भी थोड़ी पहचान होती है ना, नस्लें होती हैं। कि ये देखें मैं आपको पास से दिखाता हूँ ये कौन सी नस्ल है, कोई बता सकता है? ये देखें ये, अब एक ये वाली, ये दोनों एक जैसी हैं। और सील मुर्गी मैं पास करके आपको दिखाता हूँ, ये मुझे लाजमी बताना कमेंट में ये कौन सी नस्ल हो सकती है। कहते हैं कि मैं पास पकड़ के आपको दिखा दूंगा अभी। बाकी तो ये प्ले मौत हैं, आप देख सकते हैं प्ले मौत। तो माशाल्लाह तीनों मुर्गियाँ मेरी अंडे देने लग पड़ी हैं, लेकिन यार नागा बहुत डालती हैं, ये नागा बहुत ही ज़्यादा डालती हैं। तो सबसे बेस्ट मुर्गी कौन सी है, मुझे कौन सी प्यारी लगती है, ये मोटो, इसका नाम मैंने मोटो डाला हुआ है, मोटी है। तो ये वाली मुर्गी भी माशाल्लाह देने लग पड़ी है। इसका एक मसला है, इसकी पर का मसला है, लेकिन माशाल्लाह इसने अंडा दिया है, मैं बहुत खुश हुआ हूँ। फिर भी अपनी हिम्मत नहीं हारी, अंदर जा रहा हूँ यार, देखता हूँ अंडा है कि नहीं है। आज सुबह का कोई अंडा नहीं निकाला है, सिर्फ दो अंडे हैं। नीचे देखता हूँ, नीचे कल एक मुर्गी ने दिया था, क्या बताओ आज एक नीचे मिल ली जाए, चेक करता हूँ जाके। हाँ दो नज़र आ रही हैं, आज दो अंडे मिले हैं नीचे से। अच्छा इन्होंने अब लगता है जगह चेंज कर ली है। धूप चले गई है, शाम का टाइम हो गया, तकरीबन अजानें होने वाली हैं। तो मुर्गियों ने यार नीचे फिर गंद डाल दिया, बहुत मुश्किल से मैंने सफाई की थी तो फिर गंद डाल दिया हुआ है। तो यार मुर्गियों ने आज बहुत कुछ खाया है, ये देखें आप देख रहे हैं ना, पालक धनिया पता नहीं क्या क्या ला के ना, गढ़ वाले भी इस तरह ही होती है, इसको इस वाले गेट को खोलते हैं इस तरह बकरियों की तरह इधर फेंक देती हैं, फिर गंद डाल दिया हुआ है। मुझे मसला बढ़ गया हुआ है, इधर कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैं सोच रहा हूँ कि ये कवर हो जाए ना, ये देख रहे हैं ना आप, ये कवर होना चाहिए, कवर होगा ताकि बारिश भी आए नीचे से, ये गीला ना हो। अगर ये गीला हो जाता ना इधर, यार मसला बन जाता है, इन गंद की वजह से ना कचरा हो जाता है। अभी मैंने इनका सुराख रखे हुए हैं पानी बाहर निकलने के लिए, लेकिन ये भी बंद हो गए हुए हैं मिट्टी की वजह से, तो डक्स आ जाती है ना इस तरह। तो बाकी यार वो मुर्गे देख रहे हैं ना, ये देखें ये जोड़ी मेरी, यार मैं सेल करना चाहता हूँ, अगर किसी को चाहिए तो मुझे बताएं। तो 2000 रुपये का एक मैं सेल कर रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत प्यारी मुर्गी है और मुर्गा भी है। ये तीन तकरीबन मैं कर रहा हूँ आपके लिए, सिर्फ 6000 रुपये के तीन दूंगा आपको। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? अच्छा यार मैं प्ले मोत जो उनसी मुर्गी है ना, वो मैं सेल करना चाहता हूँ, किसी भाई को चाहिए तो मुझे बताए, मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे देता हूँ। तो जैसा भी आप, वैसे यार मैं 2000 से कम नहीं देनी, बहुत प्यारी मुर्गी हैं ये तीन हैं, एक भी है वो लेनी है तो चाहे तो वो आपको दे दूंगा, 500 रुपये की दे दूंगा, क्योंकि यार उसका पर टूटा हुआ है ना, थोड़ा मसला है, उसको थोड़ी मेडिसिन वगैरह देना, तो इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी जिस तरह मैं आपको बताऊँगा। वो उसने लगाई थी छलांग, तकरीबन यहाँ से ये पीछे वाले घर में चले गई थी, तकरीबन दो मंजिल थी, तो उसकी वजह से ना उसका पर टूट गया हुआ है। बाकी यार ये मैं बहुत मुश्किल से अभी मैं सफाई की थी तो फिर गंद डाल गया हुआ है। मसला ये है कि मैं ऊपर से यार वो नहीं किया, मैं ये सोच रहा हूँ अगर आप इस तरह का बनाएं, ऊपर से आपका कवर होना चाहिए लाजमी, नीचे आप वो क्या कहते हैं लकड़ी का बूरा डाल लें तो काफ़ी दिन निकल जाएंगे, या वो मिट्टी डाल लें, लेकिन अक्सर मैंने देखा कि मिट्टी नहीं डालते। अगर मैं हूँ तो मिट्टी डालता हूँ, वो क्यों डालता हूँ वो मैं आपको सब बताऊँगा
किस तरह आज के लिए यार इतना ही काफ़ी है। मैं आपको ये आज ये बताना था कि मुर्गियाँ जो है ना मैं सेल करना चाहता हूँ, अगर किसी भाई को चाहिए तो मुझे यार लाजमी बताना, तब तक ये ना हो कि मैं सेल कर बैठा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर कोई खरीद रहे मुझसे तो अच्छा है, तो अगर आसपास मेरे आप रहते हैं तो आके ले जाएँ, बहुत अच्छी हैं, घर की पली हुई हैं मुर्गियाँ। तो बाकी यार फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो को यार लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।